अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, ऐसा दावा राजस्थान पुलिस का हमेशा होता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका राजस्थान पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर अब भी आप नहीं समझे तो आपको विस्तार से समझाते हैं राजस्थान पुलिस के इस अमानवीय कृत्य के बारे में। दरअसल जोधपुर में बस की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, लेकिन उससे शर्मनाक काम तो पुलिस ने कर डाला, क्योंकि इंसानियत भूले पुलिस कर्मियों ने शव को कचरा गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं जब कचरा गाड़ी शव हॉस्पिटल पहुंची, तो लोग भी हैरान रह गए। उसमें से शव उतारते हुए किसी ने वीडियो बना लिया। पुलिस ने इस वीडियो को कई ग्रुप से डिलीट कराया, लेकिन तब तक कई जगह ये वीडियो शेयर हो चुका था। मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो जांच शुरू करवा दी। हुआ है एक्सीडेंट मेन रोड पे, और किसी वक्त हुआ था एक्सीडेंट की जानकारी में आया था, और जैसा कि आप बता रहे हैं ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तो जो है इस मामले में जांच प्रारंभ की गई है, और उसके साथ में वासी देवेंद्र प्रजापत देर रात सिटी बस के नीचे आकर सो गया। बुधवार सुबह जब ड्राइवर आया तो वो बस लेकर रवाना हो गया। उसे पता नहीं था कि टायर के बीच एक युवक सो रहा है। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो मजदूरी करता था। मौके पर लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था किए बिना ही वहाँ खड़ी कचरा गाड़ी को बुलाया, उसी में शव डालकर मथुरा दास हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। इधर पुलिस पहले टालती रही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में जांच बिठाई गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।